आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव चौखंडी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 20 किलोमीटर है। 1400 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान सुच्चा सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान सुच्चा सिंह और सचिव महिपाल सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक स्वार के चौखंडी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह की कोशिशें इनकी आगे आने वाले समय में जारी रहेंगी, इस सब की जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, जैसे कि ये कार्यकाल आपका लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, अब तक के बीते हुए समय में क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवाए हैं? हमें ऐसा है कि हमने सबसे पहले जहाँ किसी प्रधान काम ने तक कराया वहाँ हमें खनिजे लगाए और नाली बनवाई, सफाई का अभियान चलाया हमने जी। और सिपंडी में भी हर जगह पे पहली खराब में किसी न कोई काम नहीं करवाया हमने करवाया था। जैसा कि देखा है यहाँ पर तीन पंचायतें आपकी, तीन गांव लगते हैं आपके इसमें ग्राम पंचायत में, तो सभी गांवों में रास्ते सभी पक्के हो चुके हैं या अभी बाकी नहीं? लगभग हो चुके हैं, दो तीन रास्ते हैं जो नहीं हुए तो वो भी अगर हमारा टाइम आगे को होता था हम वो भी करवा देते जी। तो लेकिन छोटी पंचायत होने के उससे पैसा पूरा नहीं आ पाता, निधि कम आती है, निधि कम आती है, इस वजह से काम रह गए। आवास मिले यहाँ लोगों को? आवास नहीं मिले यहाँ, कोई बताते थे कि 2011 वाली सूची है वो नहीं है यहाँ पर, एक भी आवास यहाँ नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। क्या ऐसे परिवार हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ है, वैसे थोड़े हैं, पाँच छः परिवार हैं, ऐसे पाँच छः परिवार हैं यहाँ पर। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है बताएंगे गाँव में? बहुत सही है, बढ़िया है, सफाई कर्मचारी उनका ध्यान रखते हैं, हम सही करवाते हैं। स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट वगैरह लगी हुई गाँव में? नहीं, वो नहीं। कायाकल्प जो मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम करवाए गए? स्कूल में हमने टाइल्स लगवाई है, शौचालय सही करवाए हैं, बाकी और काम मरम्मत करवाई है, फर्श करवाए हैं जो स्कूल में थे, तो काम हमने काम करवाए। तो इन पाँच सालों में आपने स्कूल में भी काफ़ी समय अपना दिया होगा, तो क्या आपने देखा पिछले बीते हुए समय में और आप इस समय में कुछ बदलाव देखते हैं, जैसे बच्चों की संख्या को लेकर उसमें बदलाव आया हो, हालांकि इस बार इतना सौंदर्यकरण भी स्कूलों में करवाया गया है, तो उससे क्या फर्क आपको लगता है? मतलब स्कूलों में सफाई ज़्यादा है तो बच्चों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और वैसे किसी बात की कोई स्कूल में कोई आवश्यकता नहीं चाहिए, लगभग मतलब सभी कुछ जो है बराबर एकदम सही चल रहा है, सही चल रहा है जी। गांव में सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? नहीं, ये नहीं बने हुए। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी नहीं है, लेकिन बाउंड्री बड़ी काफ़ी बड़ी है जी, लेकिन खेल का मैदान। आंगनबाड़ी केंद्र वो है, आंगनबाड़ी केंद्र। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल यहाँ दरियाल बना है तो वो तो काफी किलोमीटर का फासला इसमें हो जाता है। 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर उससे पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, उससे पहले नहीं। तो कभी कोशिश नहीं की यहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए? नहीं, ग्राम समाज की जगह है यहाँ? यहाँ पे नहीं, ग्राम समाज की जगह नहीं है जी, इस वजह से हो सकता है नहीं बन पा रहा जी। प्रधान जी, आप अपने गांव को और ज्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या लगता है आपको, किस तरह की प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मतलब पैसा ज़्यादा आए तो जैसे ये मतलब शमशान घाट है वो उसकी बाउंड्री वगैरह बन जाए, उसका खंजा या पट्टी बन जाए शमशान घाट तक, पर जो काम रह चुके हैं वो मतलब वजह हमारा ये नाला है, ये गंदा पानी मतलब नहर तक जाना है, मतलब जो गांव का गंदा पानी है वो उस नाले में इकट्ठा होता है, उस नाले वो नाला हमने कच्चा खुदवाया था वो जी, तो अब कच्चे नाले में पानी जा रहा है गाँव का, गाँव में जहाँ पानी इकट्ठा होता था वो नहीं होता जी। तो हम सोच रहे अगर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो नाला पक्का बन जाए जी, मतलब नाले का जो है निर्माण पक्का हो जाए, पक्का हो जाए जी। जैसे कि अब चुनाव भी तैयार हैं और लगभग सभी लोग अपनी तैयारियों में लग भी गए हैं, तो आपकी क्या कोशिशें हैं आने वाले समय के लिए, किस तरह की विचारधारा आप रखते हैं कि जो अब इस पंचवर्षीय में नहीं हो पाया है या पूरा किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में उसको किस तरह से पूरा करेंगे? अगर पब्लिक साथ देगी तो चलो हम सोच रहे हैं इसके लिए, तो लेकिन अभी तक तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, अगर हम बनते हैं तो बाकी जो जो भी साथ रह गया ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे जी।
जैसे कि कोरोना महामारी अभी फैली रही है, पूरे देश भर में फैली हुई है, लेकिन फिर भी अनलॉक के तहत यहाँ पर सभी जो है रूटीन लगभग अपने रूटीन में आ चुके हैं। इसके लिए अपने गाँव वासियों को कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगे, कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे। हाँ जी, सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है, कोई मतलब बाहर भी कम निकले हैं, बहुत कम निकले हैं, सबने धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इन बीते 5 सालों में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है। आवास यहाँ एक भी परिवार को अब तक नहीं मिल पाया है, जबकि लगभग 5 से 6 परिवार यहाँ आज भी ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, बहुत ही कच्चे मकानों में जो रहते हैं, जिसके लिए प्रधान ने यहाँ प्रमुख रूप से मांग भी रखी है। कुछ रास्ते जो अभी बाकी रह गए हैं पक्के होने से, ग्राम प्रधान का मानना है कि आगे आने वाले समय में वो उसे पूरा करने की पूरी उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यदि धनराशि ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो और ज्यादा से ज्यादा सरकार की मदद मिले, तो जो काम अब तक के बीते हुए समय में अधूरे रह गए हैं, वो आने वाले समय में पूरा उनको जो है विकास कार्यों को पूरा करवाने की वो उम्मीद रखते हैं, दावा भी रखते हैं। और उनका मानना है कि जनता यदि दोबारा उन्हें यहाँ मौका देती है तो गांव को पूरी तरह से विकासशील बनाने का उनका प्रयास रहेगा। इसके अलावा यहां पर बारात घर, पंचायत घर जो कि अभी तक निर्मित नहीं है, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो यहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए मरीजों को वक्त बेवक्त खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ की समस्याओं को देखते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करें। आसिम अली अंसारी के साथ में नाजरीन, टुडे 24।